अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टूडियो में हम देखेंगे कि मार्केट की क्या सिचुएशन है और साथ में लोना का जो लोना क्लासिक जो कि वो 27 को लॉन्च करने वाले हैं तो क्या सिचुएशन होगी। तब क्या 27 को लॉन्च करने के बाद मार्केट जिस स्टेज से या जिस जिस स्पोर्ट से गिर चुकी है उस तक जाएगी, क्या ये कौन से प्राइस को टच करेगा, क्या एग्जिस्टेंस जो ब्लॉकचेन है उसी को कंटिन्यू करेगा या न्यू नेम के साथ आएगा। आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने लोना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर की है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप वो चीज़ें देख ले तो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दूंगा कि आप किस आप किस तरह आसानी के साथ समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप इसको काइंडली जाके देख ले जहाँ पे लोना के बारे में जितने भी अपडेट्स थे, जो प्रपोजल सेंड किया गया था और उसमें किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, किन को कितना मिलेगा, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मैं आज की जो कोशिश करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट बना के आप लोगों को बता सकूँ कि आप समझ जाएँ। अच्छा, इस पे एक अलग की वीडियो होगी क्रिप्टो क्रिप्टो बबल्स पे, इस पे मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरह इसको यूज़ करना है और साथ में आपने इसके फ़ायदे क्या क्या है, इसको हम खैर बाद में देख लेंगे। लेकिन अब लोना के बारे में ज़रा आपको अपडेट्स दूं कि आने वाले दिन में मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, क्या 27 को मार्केट की क्या रेट होगी। तो इनमें मैं आपको बताऊँगा कि पॉसिबिलिटी कहाँ तक है कि रेट यहाँ तक जा सकती है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि मार्केट की जो रेट है या लोना की जो प्राइस है वो कहाँ तक जाएगी। सबसे पहली बात कि अपडेशन आएगी या एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन को वो कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि दोनों होगा, न्यू ब्लॉकचेन के साथ भी आएंगे, एग्जिस्टेंस को भी वो ख़त्म नहीं करेंगे। सही है, याद रखिएगा अगर आपके पास अभी लोना जो है 1000 लोना है तो जब लोना क्लासिक आएगा और फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस $3 है, $1 है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करके आपको लोना क्लासिक देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 लोना की कॉइन्स है और जैसे ही लोना क्लासिक आ जाती है तो वो और उसकी प्राइस क्या है, 3 है, तो अभी एग्जिस्टेंस लोना की प्राइस वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसके अल्टरनेट मुझे ट्रांसफर किया जाएगा क्लासिक में कन्वर्ट करके। तब तक उसकी प्राइस क्या होगी अभी तक किसी को नहीं पता कि आने वाले दिन में लोना क्लासिक की जो प्राइस होगी वो क्या होगी। साथ में जो न्यू ब्लॉकचेन वो लॉन्च करे 27 को, तो जैसे ही आप अगर देखें तो जैसे ही दिन नज़दीक आ रही है तो आपको मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी, साथ साथ में आपकी जो ग्राफ है वो भी एक पॉजिटिव तरफ जाएगी और साथ में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि मार्केट क्या सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट की जो जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी है, तकरीबन 25% इससे पहले जो इसने जो यहाँ पे जो गया था तो 25% ऊपर गया था, अगेन नीचे आया, फिर भी अगर आप इसकी RSI को देख लें तो ये अपने एंगल्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली बना रहे हैं। अब एंगल्स क्या होते हैं, किस तरह बन जाते हैं, आप ये उनके लिए मैं आपको वीडियो सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो देख लें RSI इंडिकेटर्स के किस तरह एंगल्स बनते हैं और किस तरह एंगल्स जब बनेगा तो हमें क्या प्रेडिक्शन मिलेगी, तो वो वीडियोस लाजमी देखें। साथ में यहाँ पे चूंकि मैंने कुछ बाय की थी यहाँ पे और यहाँ पे मैंने मार्केट से निकल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मैंने यहाँ पे बाय की थी लेकिन स्टिल जो मुझे यहाँ पे जो RSI का जो एंगल नज़र आया तो मुझे ये पर्सनलाइज हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें मैंने आपको बताया था कि एंगल्स किस तरह बनते हैं और किन किन एंगल को मद्देनजर रखते हुए आप मार्केट में इन होंगे, तो ये वही सिचुएशन बन गई है। मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया कि किस तरह एंगल्स बनते हैं, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंच गई तो मैंने एग्जिट कर दिया और कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल गया। अब क्या क्या आपको क्या करना चाहिए, क्या और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्या वो प्रीवियस जो हमारे साथ जो फ्रॉड हुए हैं या जो हमारे साथ जो 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 हम एक्सपेक्ट करते थे कि इस नैरेटिव लेने से इनकी मार्केट अच्छी होगी, स्टिल नहीं हुई, तो क्या आने वाले दिनों में जो जो ये नैरेटिव लेंगे तो क्या उससे कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो कुछ नहीं कह सकती। और मार्केट की मुझे तो पर्सनली खुद नहीं लगता, मैं अब डे ट्रेड करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट जब हो जाता है तो मैं निकाल लेता हूँ, मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता,
तो कुछ क्या करें कि इस चीज से आप अपने आप को बचाएं। दूसरी बात, बाइनेंस ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो लोना है उसको रिकवर कर सके, जो लोना की प्राइस है उसको हम रिकवर कर सके। साथ में अगर आप यहाँ पे आए, जो न्यू ब्लॉकचेन के बारे में जो उन्होंने जब प्रपोजल सेंड किया था और लोगों से राय लिए कि क्या हम न्यू ब्लॉकचेन के साथ आए या नहीं आए, तो उसमें तकरीबन 68.94% लोगों ने अपनी राय दी है कि हाँ आपको न्यू ब्लॉकचेन के साथ आना चाहिए और मार्केट को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए। अच्छा, कितना परसेंट किन को मिलेगा? मैंने तकरीबन एक 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वीडियोज बनाई थी कि जो अभी मार्केट क्रैश के दौरान मार्केट में आए उनको कितना परसेंट मिलेगा, जो क्रैश से पहले थे उनको कितना मिलेगा। वो अपना एक डोमेन आइडेंटिफाई डिफाइन करेंगे कि इस डोमेन के अंदर जो लोग आए तो उनको 35% मिलेगा, इस डोमेन से इस तक जितने भी लोग आए हैं तो उनको 25% मिलेगा, 10% मिलेगा और 10% रिमेनिंग जो है वो ब्लॉकचेन डेवलपर को मिलेंगे। तो ये चीजें थी, ये कुछ अपडेट्स थी। तो क्या प्राइस क्या होनी चाहिए, कि न्यू जो क्लासिक आएगी तो उसकी प्राइस क्या एक्सपेक्टेड है? तो जो सुनने को आया है और जो मुझे पर्सनली लगता है वो 0.25 से लेकर $1 के दरमियान होगी। ये मैं अपनी जो प्रीवियस अगर इस तरह के जो केसेस हुए हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ कि 0.5 सेंट से लेकर $1 के दरमियान इसकी प्राइस होगी। और आपका जो एग्जिस्टिंग लोना है वो कहीं नहीं जाएगा। दो चीजें याद रखिएगा, अब जैसे ही मार्केट न्यू क्लासिक आएगी, लोना की जो क्लासिक आएगी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लोना है तो वो अगर न्यू लोना क्लासिक 0.25 पे लॉन्च होती है और आपका लोना डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लोना क्लासिक में, तो जैसे ही वो लॉन्च होगी तो तब लोग इन्वेस्टमेंट लाजमी करेंगे। एक चीज याद रखिए, अगर लोग इन्वेस्टर जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिटकॉइन ने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि लोना को जितना हमसे हो सके उसको रिकवर करने की कोशिश करें। तो 0.5 पे जब आपको आपकी जो एग्जिस्टेंस लोना है वो लोना क्लासिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो तब जैसे ही मार्केट पंप करे तो कोशिश किया करे कि तकरीबन 25% आपको अपना प्रॉफिट निकालना चाहिए। आपको कभी भी ये वेट नहीं करना चाहिए कि चले ये 25 से 0.9 पे पहुंच गया, अब मैं वेट करूंगा कि 3 पर पहुंचे। तो कोशिश किया करें कि जहां भी आपको मार्केट में थोड़ी भी अच्छी न्यूज़ मिलती है या अच्छी ग्राफ नजर आते हैं तो आप वहां से एग्जिट किया करें, कभी भी ज्यादा वेट ना किया करें। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। अच्छा, लोना की जो प्रीवियस प्राइस थी, जो इस पे जो लॉन्चिंग इसकी प्राइस थी वो भी इंतहाई कम थी। फिर यहाँ से लेकर मार्केट 119 तक पहुंच चुकी थी। फिर अगेन मार्केट गिरावट की तरफ, मार्केट दोबारा गिर गई है, जो अब उनकी जो लॉन्चिंग प्राइस थी उससे भी कम हो गई जिस पे ये लॉन्च हुआ था। तो क्या ये मार्केट दोबारा उस स्टेज तक पहुंच जाएगी? तो पर्सनली मैं अपना जो ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि जो एग्जिस्टेंस है वो दोबारा अपने वैल्यू तक पहुंच जाए या अपनी मार्केट में वो स्टेबिलिटी ला सके जो इसकी प्रीवियस 3 महीने या 4 महीने पहले थी। यही थी अपडेट्स। प्राइस 0.5 सेंट्स और $1 के दरमियान ही लाइज करेगा। आपको एग्जिस्टिंग लोना की बदौलत क्लासिक मिल जाएगा। कितना मिलेगा डिपेंड करता है कि आप मार्केट में इन कब हुए। अगर आप बहुत पुराने इनके होल्डर्स हैं तो आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब 35% मिलेगा। अगर आपने क्रैश में बाई किया है तो आपको 20% मिलेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा बड़े क्रैश में बाई किया है तो आपको 10% मिलेगा। उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजी होगी। मैंने इस वीडियो में, मेरे ख्याल से एक वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई है लोना के बारे में, तो आप जरा काइंडली ये देख ले। वहां पे मैंने बताया है कि किन किन को कितना मिलेगा, तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। और इसके बारे में हम आपको फिर कभी बताएंगे कि किस तरह आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट की क्या नेक्स्ट जो नैरेटिव होगा, जो प्रिडिक्शन होगी क्या होगी। आज के लिए इतना ही। कोशिश किया करें कि कभी भी एट टाइम आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अब बहुत से लोगों ने 17 पे बाय किया है, 18 पे बाय किया है, मैंने खुद 3 पे बाय किया है। तो पर्सनली मैं अब कोशिश करता हूँ कि जैसे ही इन्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा भी प्रॉफिट हो तो मैं अपने आप को निकाल दूँ। तो कोशिश किया करें कि आप ऐसे कॉइन्स में डे ट्रेड करके अपने आप को निकाला करें। इनका कोई पता नहीं चलता। यूएसटी को
अगर आपके पास यूएसडी है तो वो भी आपको, अगर ये ईमानदारी के साथ मार्केट में दोबारा आएंगी तो जितनी जिन लोगों का जो लॉस हुआ है इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपने और इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करनी। मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 15 to 20 डॉलर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप 1,000 डॉलर, 1,500 डॉलर, 800 डॉलर ये ना करें, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है वो कुछ स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, कुछ स्टेबल नहीं है। डिपेंड करता है, 27 को पता चलेगा कि मार्केट की क्या सिचुएशन होगी। एक और चीज, जैसे ये दिन नजदीक आएगा तो मार्केट कोशिश करेगा कि अपने आप को ऊपर ले जाएगा, जितना ही ये दिन नजदीक आएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ ही होगा। जिस तरह 24% 2-4 घंटे पहले इसने पंप किया, फिर 17%, अभी 17% पे है। तो कोशिश किया करें कि अगर 27 को ये मार्केट्स बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है तो कोशिश किया करें कि 25% निकाल दे, बाकी को छोड़ दे बेशक, लेकिन 25% निकाल दे, क्योंकि अगर न्यू क्लासिक लोना आ जाए तो अगर वो भी सेम सिचुएशन है, इन्वेस्टर्स कम आए, मार्केट को वो स्टेबल नहीं कर सके, तो ऐसा ना हो कि वो 2.5 पे लॉन्च हो जाए और 2.5 से डायरेक्ट टेट्रा सेंट्स या टेट्रा जीरोस इस रेट पे आ जाए, ऐसा ना हो। जब इन्वेस्टर्स कम होते हैं, एक कंपनी लॉन्च होती है, जब उस पर इन्वेस्टर्स कम होते हैं तो उसकी मार्केट की जो रेट है वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। तो जैसे ही मार्केट, अगर 27 की नाइट को मार्केट ऊपर होती है प्रीवियस लोना को, तो 25% 50% आप सेल किया करें, अपने प्रॉफिट निकाल करें, अपने लॉस को कम करते हुए। तो ये थी कुछ अहम और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मजीद अगर कुछ अपडेट्स मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू।